हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग लाजवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं निकिता और आज हम यहां पर बनाएंगे चने की सब्जी। लेकिन इस सब्जी को आज हम यहां पर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। फ्रेंड्स, एक दिन मेरे पास थोड़ा सा पनीर और मलाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सब्जी को थोड़े अलग तरीके से बनाया जाए। जब मैंने इस सब्जी को कुछ इस तरीके से बनाया और घर में सभी को खिलाई तो सभी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना। मैंने यहाँ पर 1.5 कप चने लिए हैं, जिनको रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। और जब ये अच्छे से फूल गए थे तो सुबह मैंने इनको 2-3 बार साफ पानी से धुलकर इनमें 3 कप पानी डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर इनको बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा पनीर लिया है, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको ग्राइंडर में पीस लिया है। 2 टमाटर लिए हैं और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च डालकर इनको भी ग्राइंडर में पीस लिया है। और कुछ मैंने यहाँ पर मसाले लिए हैं। मैंने यहाँ पर तेज पत्ता लिया है और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ली है, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच चना मसाला, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 4 से 5 लौंग ली हैं। तो चलिए अब हम चने की सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा, लौंग डाल देंगे और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हम यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप चाहे तो प्याज को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। प्याज हमारी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी आप बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं और इसको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और चना मसाला डाल देंगे। और इन सबको हम यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को हम यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे, जिससे मसालों का कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं और साइड से ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ आलू। यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल करके लिया है और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे पनीर। फ्रेंड्स, आप इस सब्जी में पनीर ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपने चने और आलू की सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आप एक बार इसमें पनीर डालकर ज़रूर बनाकर खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आलू और पनीर मसालों में अच्छे से मिल गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चने और इनको भी अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये सब्जी ज़्यादा रेशेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप कम ही डालें, जब हमने चनों को बॉईल किया था तब भी नमक डाला था, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें। और यहाँ पर हम इनको ढक देंगे और 5 से 7 मिनट तक के लिए पकने देंगे और बीच बीच में 1-2 बार इनको चलाते रहेंगे। सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, एक बार हम इसको चला देंगे। अभी हमें इसमें पानी और चने थोड़े अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जब तक ये आपस में अच्छे से मिल ना जाए, जब तक हम इसको यहाँ पर पकाएंगे। और अब हम इसे यहाँ पर ढककर 5 मिनट तक के लिए और पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, एक बार हम सब्जी को चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर कलर आया है हमारी सब्जी का और ये बनने के बाद थोड़ी थिक भी हो गई है। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसको अच्छे से मिला देंगे। ठंडी होने के बाद हम यहाँ पर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारी पनीर चने की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी खाने में और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है।
अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी क्रीम। मैंने ये क्रीम घर पर ही बनाई है, आप चाहे तो बाजार से भी मंगा सकते हैं। आप इस सब्जी को क्रीम और पनीर डालकर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसको चावल के साथ, पराठे के साथ या पूरी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।